निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सड़क हादसे में घायल हो गए। बुधवार को प्रतापगढ़ में समीक्षा बैठक करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में हादसा हो जाने से वो घायल हो गए। अन्यफन में उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यूपी के लखीमपुर सीट से भाजपा के विधायक योगेश वर्मा और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह के बीच बुधवार को हाथापाई हो गई। इस दौरान विधायक को थप्पड़ मारे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये विवाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर हुआ। बुधवार को इसके लिए नामांकन होना था। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बुधवार को 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करहल सीट से तेज प्रताप को उतारा है। वही सिरसा माऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों ने कथित तौर पर जंगल में गश्त कर रहे टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े दो जवानों को अगवा कर लिया। इनमें से एक जवान किसी तरह जख्मी हालात में आतंकवादियों के चंगुल से बच पाने में सफल हो सका, वहीं एक अन्य जवान की आतंकियों ने हत्या कर दी। दिल्ली से ग्रेट नोएडा में महिला से लूट की कोशिश की गई है। जी हाँ, ग्रेट नोएडा वेस्ट के गैलेक्सी वेगा सोसाइटी के बाहर बाइक सवारों ने महिला से चेन लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अपनी दिलेरी से बदमाशों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और लूट से खुद को बचा लिया। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।